में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम संत यूसुफ के साथ प्रभु की उपस्थिति में संत पापा पूरे विश्व को, पूरी कलीसिया को इस वर्ष संत यूसुफ के विशेष मध्यस्थता में हम सबों को अर्पित किए हैं, हमें सौंपे हैं। तो ये उचित होगा कि हम संत यूसुफ के जीवनी में जरा मनन करें और उनसे प्रेरणा लें। आज हम गौर करते हैं संत यूसुफ एक आज्ञाकारी पति थे, एक आज्ञाकारी भक्त थे, एक आज्ञाकारी पिता थे। संत क्रिस्टोफर कहते हैं कि संत यूसुफ जिस प्रकार प्रभु के समक्ष प्रभु से दी गई सारी आज्ञाओं को, सपनों में प्रकट की गई सारे आग्रहों को, ईश्वर के मुक्ति योजना के पूर्ति हेतु जिस प्रकार उन्होंने सहयोग दिया, यही उन्हें एक आदर्श पिता बनाया और यही उनकी महानता है। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को। हम यदि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 में देखें, हम जानते हैं उसके पहले यदि हम थोड़ा और गौर करें तो कि संत यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हुई थी, उनका विवाह निश्चित हो गया था, तय हो गया था, और अचानक देखिए तो खबर मिलता है कि मरियम गर्भवती है। सभी जगह भय छा गया, लोगों पर आशंका छा गई। अब सब लोग यूसुफ के फैसले के इंतजार में थे कि यूसुफ किस प्रकार का इंतजार फैसला लेगा। लोग ताक में थे कि उस समय के नियम अनुसार कि अभी मरियम को पत्थर से मार डालना है, और सब लोग जस्ट इंतजार में थे कि क्या होगा, कैसा होगा। किसी को यह बात नहीं मालूम कि माता मरियम के गर्भवती होने के पीछे का रहस्य क्या है। देखिए तो यूसुफ भी एकदम घबरा गया, चिंतित हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, और वो ये जानना चाह रहा था कि आखिर इसके पीछे क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया, मरियम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकती है। हम 19 में देखें, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो मरियम का बदनाम करे और मरियम को इस प्रकार मरवा डाले या मार डाले। उसने अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया और इंतजार कहा करने लगा कि प्रभु क्या कहना चाहता है। और बेचैनी से वो लेटा, वो सो गया, और हम देखते हैं कि स्वप्न में स्वर्गदूत का दर्शन, स्वर्गदूत की आवाज में प्रभु उन्हें प्रकट करते हैं, रहस्य को समझाते हैं। यह रहस्य उनके लिए सर्वप्रथम विश्वास करना जरूरी नहीं था। आप और मैं कितने सपने देखते हैं ना, हमारे पास भी कई खबर आते हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, करोगे? नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन संत यूसुफ ने उसे बिंदास, बिना कुछ सवाल किए, उसने अपने आप में जरा सा रुक तो जरूर गया होगा, और उठता है मरियम के पास और पूछता है कि आपके साथ स्वर्गदूत ने आपसे क्या कहा। मरियम ने सारी बातें बताई और यूसुफ ने कहा कि मेरे पास भी दूत आया था, मुझसे भी बताया गया है, इसका मतलब यह ईश्वर की योजना है। और बस अब वह सरेंडर कर देता है और उसे आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। वह निकल पड़ता है आज्ञाकारी
भक्त के रूप में मरियम को स्वीकार करने के लिए। मैं कहूंगी जिस प्रकार माता मरियम का हाँ कहना, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, और उसी के चलते ईश्वर का मानव जाति के प्रति का मुक्ति योजना पूरा हुआ। यूसुफ ने भी हाँ कहा, यूसुफ ने भी मरियम को स्वीकार करने में जो हाँ कहा, और वही तो ईश्वर के मुक्ति योजना मरियम के साथ साथ यूसुफ का सहयोग भी बड़ा योगदान था। आज हम संत यूसुफ से मध्यस्थ करें और हम यही आशीर्वाद मांगे प्रभु से कि हमें भी हमारे जीवन में भी इस प्रकार हमारा पृथ्वी पर का आना, हमारा एक आपके लिए एक पति बनना, एक पापा बनना, एक पुरोहित बनना, एक सिस्टर बनना, पत्नी बनना, माँ बनना, ये सब एक बुलाहट है। बुलाहट के पीछे यह भी रहस्य है कि ईश्वर किसी न किसी के प्रति जो मुक्ति योजना बनाकर हमें पृथ्वी पर जन्म दिए हैं, उसे संत यूसुफ की तरह उसे परखते हुए स्वीकार किया जाए तो हम भी महान बन गए। तो आज हम संत यूसुफ से मध्यस्थ ले और कहे कि हमें भी विश्वास करना सिखा, हमें भी आज्ञाकारी बना, हम भी तैयार है ईश्वर की मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए। आमीन।